हेलो एंड वेलकम इन योर ऑन चैनल टॉपर स्टॉप। आज हम जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल के क्वेश्चन करेंगे। आपके सिलेबस में सिर्फ एक टॉपिक दे रखा जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल। सिर्फ जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल से क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी पूछते हैं। उन एक्स्ट्रा क्वेश्चन को हम पाँच पार्ट्स में, अलग अलग पार्ट्स में सारे करेंगे। तो ये उसका पहला पार्ट है। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द अकाउंट्स। तो अकाउंट में क्या रिकॉर्ड नहीं होता है? अकाउंट में सेल्स ऑफ गुड रिकॉर्ड होता है, सेल्स बुक में पेमेंट ऑफ सैलरी भी रिकॉर्ड होती है, और क्वालिटी ऑफ द स्टाफ ये रिकॉर्ड नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम उन्हीं चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं जिसको हम मनी के टर्म में मेज़र कर सके, यानी कि मनी मेज़रमेंट प्रिंसिपल। यहाँ पे हमें क्या, किस बेस पे हमने ये कहा कि क्वालिटी ऑफ द स्टाफ हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे? तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में एक प्रिंसिपल होता है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल में सिर्फ वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है जिसको मनी के टर्म में मेज़र कर सके। फॉर एग्जांपल, आपके किसी स्टाफ, आपके किसी वर्कर की वजह से आपको बिजनेस में बहुत सारा प्रॉफिट हुआ, बट यू कांट रिकॉर्ड इन अकाउंट्स बिकॉज देयर इज़ नो रूल्स रिलेटेड टू क्वालिटी ऑफ द स्टाफ विच इज़ रिकॉर्डेड इन द अकाउंट्स। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ बुक कीपिंग इज़ मेनली कंसर्न विद। तो बुक कीपिंग किससे कंसर्न करता है? बुक कीपिंग इज़ मेनली रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डाटा रिकॉर्डिंग टू द बिजनेस ट्रांजेक्शन, ऑप्शन नंबर बी। बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग में हम सिर्फ वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं जिसका रिलेशन किससे, हमारे बिजनेस से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, विच इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग एज ए प्रोसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन। हमारा लास्ट स्टेप्स होता है जो सारी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाती है, उसके बाद हम क्या कम्युनिकेशन करते हैं। कम्युनिकेशन किससे, इंटरनल भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। जो हमारे पैसे में इन्वेस्ट, जो हमारे बिजनेस में कोई भी पैसा अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसके साथ क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन किस बेस पे होता है, जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होती हैं उस बेसिस पे होता है। तो लास्ट प्रोसेस कौन सा होता है हमारा, कम्युनिकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन। जो इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है उससे रिलेटेड हम क्या बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द बेसिक फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज टू रिकॉर्ड ऑफ द ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन। सारी बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना ही हमारा क्या होता है, बेसिक फंक्शन होता है। होता क्या है कि सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, किसी भी चीज़ को हम क्या इकट्ठा करते हैं, है ना, फिर क्या करते हैं उसको समराइज़ करते हैं। समराइज़ करने के लिए अलग अलग अकाउंट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई हमारी कैश की ट्रांजेक्शन है तो उसको हम कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, अगर परचेज़, कोई हमने उधार में कोई चीज़ परचेज़ किया, कोई गुड्स परचेज़ किया है, तो उसको हम परचेज़ बुक में रिकॉर्ड करेंगे। अगर हमने किसी को उधार में कोई अपना गुड्स बेचा है तो उसको हम किस में, सेल्स बुक में रिकॉर्ड करेंगे। तो ये जो समराइज़ करते हैं हम और उसको जो क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, तो ये सबसे पहला जो बेसिक फंक्शन होता है वो हमारा रिकॉर्ड करना होता है किसी भी ट्रांजेक्शन को, जो भी हमने सेल परचेज़ की है उन सबको क्या, रिकॉर्ड करना। तो ये बिज़नेस का, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन फंक्शन होता है। आपको मैं बता दूं कि अकाउंटिंग कई प्रकार की होती है, जस्ट लाइक कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉरपोरेट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो मेन पर्पस होता है, मेन फंक्शन होता है, वो क्या कहते हैं, बिजनेस में जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है उसको बुक में रिकॉर्ड करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ट्रांजेक्शन आर पोस्टेड इन टू लेजर अकाउंट फ्रॉम जनरल बुक से। जनरल बुक बनाते हैं, जनरल लेजर, लेजर क्या होती है, लेजर मैं बता दूं, जैसे कि कोई भी एक पर्सन हो गया, कौन, सोनू हो गया। ठीक है, सोनू ने हमसे गुड्स परचेज़ भी किया उधार में और हमको उधार में सेल्स भी किया है और हमसे कैश में भी कई ट्रांजैक्शन की है इसने। तो सोनू की जो भी कैश है परचेज़, कैश परचेज़ है या फिर उधार में जो परचेज़ है या उधार में जो सेल्स है, वो सारी चीज़ें हम एक ही बुक में रिकॉर्ड कर देंगे तो उसको क्या कहेंगे, लेज़र। यानी कि किसी एक पर्टिकुलर के नाम से जो हम बुक बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, लेज़र कहते हैं। तो लेज़र कहाँ से ट्रांसफ़र करते हैं, सारे जनरल बुक से। जनरल बुक कौन सी हो गई, सेल्स बुक हो गई, परचेज बुक हो गई, कैश बुक हो गई, ये सारी क्या होगी, जनरल होगी। इनको अलग अलग रिकॉर्ड किया हमने, इनको हम जब ट्रांसफ़र करते हैं किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के नाम से, उसकी सारी ट्रांजेक्शन को, हमारे बिजनेस से रिलेटेड उसकी जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई है, तो उसको क्या कहेंगे, हम लेज़र कहेंगे। तो लेज़र कहाँ से ट्रांसफ़र होती है, जनरल बुक से, लेज़र में होती है पोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन कौन सा पढ़ा हमने अभी,
क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पढ़ लिया, सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट बिजनेस ट्रांजेक्शन, तो इसमें से बिजनेस ट्रांजेक्शन कौन सा नहीं है, परचेज ऑफ एलसीडी फॉर पर्सनल यूज़। मैं आपको बता दूं कि बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल कहता है कि बिजनेस और ऑनर दोनों अलग अलग एंटिटी हैं, यानी कि बिजनेस को जो ऑनर है उससे अलग रखा जाता है। अगर जो ऑनर है वो बिजनेस से अगर कोई पैसा निकालता है तो उसे क्या करेंगे, ड्राइंग के रूप में कंसीडर करेंगे। सेम ऐसे ही अगर कोई जो पर्सन है अगर वो परचेज़ करता है एलसीडी अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसको किस में, बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उसको उसके पर्सनल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, तो वो पर्सनल यूज़ के लिए होता है ना कि बिजनेस के लिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, परचेज़ ऑफ एलसीडी फॉर पर्सनल यूज़ इज़ नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। अगर यही एलसीडी वो बिजनेस पर्पस के लिए ख़रीदता तो वो उसकी क्या होती, बिजनेस ट्रांजेक्शन हो जाती, लेकिन वो पर्सनल यूज़ के लिए ख़रीद रहा है, अपने घर के लिए ख़रीद रहा है, तो उसको हम पर्सनल यूज़ में उसमें बिजनेस ट्रांजेक्शन में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए बिजनेस ट्रांजेक्शन, ये तो हमने अभी कर लिया ऊपर ही कि एलसीडी परचेज़ किया है वो पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसको बिजनेस ट्रांजेक्शन में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ़ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट, तो बुक ऑफ अकाउंट में कौन सा रिकॉर्ड नहीं होएगा, परचेज ऑफ एलसीडी फॉर पर्सनल यूज़ और पेइंग द अमाउंट फ्रॉम पर्सनल बैंक अकाउंट। पर्सनल यूज़ के लिए ख़रीद रहे हैं और पर्सनल अकाउंट से भी पे कर रहे हैं, तो उसको बिजनेस ट्रांजेक्शन में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ऊपर वाला ये एक्स्ट्रा ये दे रखा है कि पर्सनल अकाउंट चाहे आप कहीं से भी परचेज़ करो, अगर आप यही अगर बिजनेस का पैसा निकाल के पर्सनल यूज़ के लिए उसको एलसीडी खरीदते तो वहाँ पे वो जो है ये ड्राइंग हो जाती, इसको रिकॉर्ड करना पड़ता एज ए ड्राइंग। लेकिन आप बिजनेस के पर्सनल अकाउंट से निकाल के पर्सनल यूज़ के लिए खरीद रहे हो, तो इसको कहीं पे भी इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपके बिजनेस पे, तो आप अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग, अब यहाँ पे बता रखा है सब फील्ड मतलब टाइप्स ऑफ अकाउंट क्या है, हमारी फाइनेंशियल अकाउंट भी होती है, कॉस्ट अकाउंट भी होती है, जिसने भी कॉस्ट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होती है कॉस्ट अकाउंट डील करता है, कॉस्ट डिपार्टमेंट डील करता है, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जो है वो डील करता है, और फाइनेंशियल जितनी भी ट्रांजेक्शन होती हैं स्टार्टिंग में सबसे पहले फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का काम होता है कि उन सबको रिकॉर्ड करना। तो सब फील्ड इसकी कौन सी, ये भी हो गई, फाइनेंशियल अकाउंट भी हो गई, मैनेजमेंट अकाउंट भी हो गई, कॉस्ट भी अकाउंट भी हो गई, तो मतलब क्या है, सारी ऑल दी एबो आर सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंटरनल यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन सी होती है, जैसे बैलेंस शीट हो गई, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, या हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गई, तो इसका यूज़ कौन कौन करता है, इंटरनल यूज़ कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यूज़ करते हैं इसको, एम्प्लॉयज़ करते हैं, मैनेजर करता है, लेकिन लैंडर जो होता है इसका यूज़ नहीं करता हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। तो हमारे क्वेश्चन इतने ही थे, आई विश आपको अच्छी लगी होगी, और अभी हम और ज़्यादा क्वेश्चन लेके आएंगे फाइनेंशियल प्रिंसिपल जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो थे वो उसके क्वेश्चन लेके आएंगे, जितने भी हमने करवाए थे पहले उससे रिलेटेड एमसीक्यू लेके आएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।